नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक तिवारी हूँ। मैं अपोलो सेज अस्पताल के ऑर्थोपेडिक्स विभाग में एक सीनियर कंसल्टेंट हूँ। आज हम महिलाओं के जोड़ और हड्डियों के स्वास्थ्य से संबंधित दो समस्याओं पर चर्चा करेंगे। पोस्ट मीनोपॉजल अवस्था में महिलाओं में हड्डियों में कमजोरी आने लगती है। हड्डियों से कैल्शियम और प्रोटीन की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से हाथ पैरों की हड्डियों में दर्द होना एक आम बात है। इसको पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। इससे बचने के लिए पहली चीज़ है, नियमित तौर पर व्यायाम बहुत आवश्यक है। सारे जोड़ों का व्यायाम करना चाहिए और साथ में वॉक में जाना भी बहुत इसमें महत्वपूर्ण रहता है, जिससे कि हड्डियों का और मांसपेशियों का मूवमेंट बना रहता है, तो उनकी जो मजबूती है वो भी बनी रहती है। दूसरा है कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन, इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैल्शियम सप्लीमेंटेशन के लिए आप डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध, दही, पनीर, ये ज़्यादा से ज़्यादा लें, जिससे कि कैल्शियम बॉडी में ज़्यादा आएगा और हड्डियों में कैल्शियम डिपोजिशन भी ज़्यादा रहेगी। अगर इसके बावजूद आपको हड्डियों में दर्द रहने की शिकायत है, तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, वो आपकी बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट करवाएंगे, जिससे कि पता चलता है कि ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं। अगर ऑस्टियोपोरोसिस आता है तो उसके इलाज में कुछ इंजेक्शन्स दिए जाते हैं। एक इंजेक्शन है जो 6 महीने में एक बार दिया जाता है और उसको 3 साल तक लगातार लेने की आवश्यकता होती है। दूसरा एक इंजेक्शन है जो इंसुलिन की तरह डॉक्टर के सलाह पर घर पर रोज लिया जा सकता है और उसे 6 महीने तक लिया जाता है। अच्छा, दूसरी एक कंडीशन है जिसे हम कहते हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटनों का ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये भी पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में बहुत कॉमन होता है। हॉर्मोन्स की कमी की वजह से ये पुरुषों की मुकाबले महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें हड्डियों में जो घुटने की हड्डियाँ हैं उसमें घिसावट शुरू हो जाती है और जोड़ में जो गैप है वो कम होने लगता है। इससे बचने के लिए घुटनों का नियमित तौर पर व्यायाम बहुत आवश्यक है। साथ में कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जिन्हें कि अपनाना सहायता देता है। एक है, नीचे ज़मीन पर पालती मार के बैठना हमें अवॉइड करना चाहिए, सीढ़ियों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, और तीसरा है इंडियन टॉयलेट के बजाय वेस्टर्न कोमोड का इस्तेमाल घुटनों के लिए लाभदायक रहता है। अगर आपको घुटनों का दर्द शुरू हो गया है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, वो आपका एक एक्सरे करेंगे घुटनों का, जिससे कि पता चलेगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है या नहीं है, और है तो उसकी ग्रेडिंग क्या है, उसके हिसाब से उसका इलाज संभव होता है। इसलिए जोड़ों और हड्डियों के स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमें नियमित तौर पर हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। अपोलो सेज अस्पताल में विभिन्न प्रकार के हेल्थ चेकअप्स उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ महिलाओं के लिए स्पेसिफिक हेल्थ चेकअप्स हैं, और अगर इनमें से कोई भी समस्या निकल कर आती है तो उसका संपूर्ण इलाज वह भी अपोलो सेज अस्पताल में उपलब्ध है। धन्यवाद।